हिंदू धर्म जिंदा नहीं रहता। आज भागवत हो, जागरण हो, कोई कथा हो या कोई मंदिर का निर्माण हो, सब ऐसी संस्थाओं के लोग करते हैं। मेहनत करना और सकल देखकर लोग चंदा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इनका, इनकी टीम का, मनोज सिन्हा जी का, बी एल गर्ग जी का, हरदेव तायल जी का, इधर वासुदेव अरोड़ा जी का, बी एल गर्ग जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गणेश बाबा मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें और झूठ और लूट की दुकान बंद हो जाए। और ईमानदार मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे तो राम राज अपने आप आ जाएगा। लखन जी, धोखा खाए हुए लोग हैं, कहते हैं कहाँ ढूंढे, क्या विधायक पहले मिले नहीं कहीं? 2014 से 19 तक ये मंत्री रहे, खाली पेड़ लगाने में, झंडा फहराने, कंबल बांटने में 5 साल निकाल दिए। 2-4 बिल्डरों को लेकर एंजॉय करते रहे, देश विदेश के अंदर जनता तरसती रही। 2019 से 24 तक जब टिकट नहीं मिला, उस दौरान भी किसी के सुख दुख में, किसी की रसम पकड़ी चौथे में कभी लोग नहीं गए, कभी लोगों के बीच में नहीं गए। अब कहते हैं मैं धन के बल पर जीत जाऊंगा। धन के बल पर तो चेतीलाल वर्मा भी आए थे, 3,000 गाड़ियों का काफिला था, उनकी जमानत जब्त हो गई, फरीदाबाद से गई थी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मैं आपको बता नहीं सकता। आपको प्रेस के माध्यम से, हिंदुस्तान की वो धरती है जहाँ बड़े बड़े लोग, अहंकारी लोगों को छोटे छोटे लोगों ने धारणशाही करा। सर, मुखिया साहब किन मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं? हमने मेट्रो दी, बदरपुर भिलाई ओवर दिया, IMT दी, मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल हॉस्पिटल दिया, 6 लाइन गुड़गांव बाईपास दिया, कैदी बाईपास दिया, ग्रेटर फरीदाबाद दिया, KMP दी, मीठे पानी की रहने वाली योजना दी। अब हमारा जो फोकस है, जो मुद्दा है, जो हमारा वो ये है कि हम बल्लमगढ़ से मेट्रो को बल्लमगढ़ तक पहुँचाएंगे, बदरपुर पोर्टल से गुड़गांव तक पहुँचाएंगे, 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 100-100 गज के BPL कार्ड पर प्लॉट मकान बनाकर हम देंगे। बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत समस्याएं बनी हुई है लगातार। अगर आप जैसे विधायक बनकर आते हैं तो क्या समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे? आज सबकी समस्या हल हो जाएगी। विधानसभा की देवकुल जनता से क्या करना चाहेंगे? लास्ट में बिरादरी सवाल यही होता है, सिर्फ 36 बिरादरी के लोगों से, 89 विधानसभा की माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्ग और बच्चों से, किसानों, मजदूरों से, कर्मचारी और व्यापारियों से ये भी करूंगा कि आपने सबको मौका दिया है। मेरा 30 साल का संघर्ष है, 30 साल का वनवास है, हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मौका मुझे भी दे दो। बीजेपी तो उनके सफेदी पेंट भी नहीं कर पाई। देख सकते हैं लखन कुमार शिमला पहुंचे हैं, सेक्टर 11 राधा कृष्ण मंदिर से लाइव है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।